क्या कटरीना और आदित्य खेल रहे थे पापराजी से लुका छिपी? कंगना और शाहिद का रिफ्ट आ गया है अब आउट इन द ओपन। अमिताभ बच्चन और रेखा दिखे फिर से एक साथ फॉर अ स्पेशल इवेंट। क्या दीपिका और प्रियंका जैसे ए लिस्टर्स को कर दिया गया रिजेक्ट फॉर एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? चाहे कटरीना और आदित्य कोशिश करे पापराजीज की नजरों से छुपने की, या फिर कंगना करे शाहिद को मीडिया के सामने एम्बैरस, वी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कटरीना और आदित्य खेल रहे थे अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद द पापराजीज। आखिर कटरीना और आदित्य क्यों कर रहे थे कोशिश टू नॉट टू बी सीन टुगेदर? इज समथिंग ग्रोइंग बिटवीन द टू स्टार्स? आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ फोटोग्राफर्स के साथ खेल रहे हैं लुका छिपी का गेम। लिंकअप रूमर्स के बाद से आदित्य कटरीना कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें साथ में ना किया जाए कैप्चर। आदित्य कटरीना एक दूसरे को बताते हैं अपना अच्छा दोस्त, ऐसे में मीडिया से इन्हें अपनी दोस्ती छिपाने की क्यों पड़ रही है जरूरत? कहीं ऐसा तो नहीं चोरी चोरी चुपके चुपके आदित्य और कटरीना बन गए हैं दोस्त से कुछ ज्यादा? रिपोर्टेडली कटरीना आदित्य को रिसेंटली फिर से साथ किया गया स्पॉट। कटरीना को पिक करने आदित्य पहुंचे थे उनके घर, और फिर वहां से ये दोनों अच्छे दोस्त पहुंचे एक रेस्टोरेंट टू हैव डिनर, और फिर आदित्य के घर पर इन्हें देखा गया। कहा जा रहा है आदित्य और कटरीना ने इस बार ये पूरा ख्याल रखा कि कोई भी उन्हें देख न ले। सोर्सेस की माने तो फोटोग्राफर से बचने के लिए आदित्य रॉय कपूर तो काफी देर तक एक जगह पर छिपे रहे। Well, अब अगर कटरीना आदित्य अच्छे दोस्त हैं, तो इन्हें इस तरह छिप छिप कर नहीं घूमना चाहिए। आखिर इससे सिग्नल तो यही जाता है कि ये एक्टर्स अपने रिलेशनशिप को छिपा रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले ऐसी भी खबर आई थी कि आदित्य से बढ़ती कटरीना की दोस्ती से रणबीर कपूर को ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन बाद में फिर आदित्य ने रणबीर कपूर के न्यू घर पर पहुंचकर ये सिग्नल दे दिया कि कटरीना और उनकी दोस्ती से रणबीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जबकि रणबीर कपूर को कैट आदित्य की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये दोस्ती स्पेशल दोस्ती में बदल जाए तो कोई हैरानी भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऑल इज नॉट वेल बिटवीन शाहिद एंड कंगना। कंगना की हरकतों से शाहिद हो गए हैं एम्बैरस्ड ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ रंगून। इसी के चलते शाहिद ने लिया है एक शॉकिंग डिसीजन। व्हाट्स दैट? लेट्स फाइंड आउट। शाहिद और कंगना की प्रॉब्लम अब हो गई है ओपन। शाहिद ने कंगना के साथ एक फ्रेम तक में आने से कर दिया है इनकार। कंगना के बरबोलेपन से परेशान है शाहिद, मगर फिल्म के चक्कर में रख रहे हैं पेशेंस। शाहिद और कंगना रनौत के बीच प्रॉब्लम्स अब इतनी बढ़ गई है कि कैमरास के सामने भी ये एक दूसरे के लिए अपना डिस्कम्फर्ट छिपा नहीं पाते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ कल सबके सामने। दरअसल मुंबई के एक स्टूडियो में फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे कंगना और शाहिद को साथ में कुछ कैंसर अफेक्टेड बच्चों से मिलना था और कैंसर अवेयरनेस के लिए साइन करते हुए पोज करना था, मगर शाहिद ने कंगना के साथ क्लिक करवाने से साफ इनकार कर दिया। और फिर पहले अकेले कंगना ने आकर बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर कंगना के जाने के बाद ही शाहिद अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकले और फिर उन्होंने बच्चों से की मुलाकात। इन विजुअल्स में आप भी साफ देख सकते हैं ये ऑकवर्डनेस।
वैसे सोर्सेस से ये भी पता चला है कि कंगना के मुंह फट होने के कारण शाहिद ने कह दिया है कि अब वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कंगना हर इवेंट पर फुटेज खाने के चक्कर में शाहिद को साइडलाइन कर देती है और डिमीन करती है। शाहिद ओपनली अपना गुस्सा शो नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड करने का ही मन बना लिया है। कंगना ने शुरुआत से ही दिए हैं कई टेढ़े स्टेटमेंट्स, जैसे कभी उन्होंने खुद को फिल्म का हीरो बताया, कभी इसे खुद की फिल्म बताई और कभी शाहिद को बोला नॉट अ गुड फ्रेंड। आई थिंक क्योंकि हम लोग डिफरेंट लोग हैं, हम लोगों की इतनी कोई खास दोस्ती नहीं है, तो वो चलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप हर एक किसी के साथ काम करें तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाए। शायद विशाल भारद्वाज से दोस्ती के चक्कर में शाहिद अभी तक रंगून प्रमोट करने में लगे हैं, वरना फिल्म की को लीड के इतने ड्रामे के बाद यूजुअली कोई भी एक्टर प्रमोशन से गायब हो ही जाएगा। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। यस्टरडे स्टार्स अमिताभ बच्चन और रेखा दिखे एक साथ, दिस टाइम फॉर रणधीर कपूर बर्थडे। इस पार्टी में शामिल हुए बी टाउन के एक से बढ़कर एक स्टार्स, पर सारा स्पॉटलाइट था ऑन अमिताभ एंड रेखा। लेट्स गेट यू मोर ऑन दिस। रणधीर कपूर ने ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट किया अपना 70th बर्थडे। कपूर क्लैन के इस जॉयस ओकेजन पर कई स्टार्स ने दी अपनी अटेंडेंस, मगर दो सिलेब्स पर जमी थी सबकी नजर, रेयरली ही किसी इवेंट पर साथ दिखने वाले। अमिताभ बच्चन और रेखा ने साथ में सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड और को एक्टर रह चुके रणधीर कपूर का बर्थडे। पहले रेखा ने अपनी व्हाइट एंड गोल्डन साड़ी में मैचिंग ज्वेलरी के साथ ली इस पार्टी में एंट्री और कैमरास के लिए पोज करके चली गई अंदर। कुछ ही देर बाद बिग बी ने इस पार्टी में एंट्री ली और इसके बाद काफी देर तक दोनों वेन्यू पर रुके और साथ में रणधीर कपूर को किया विश। जहां कभी रेखा अमिताभ ने अपना अफेयर ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है, वहां इनके अफेयर के बारे में गॉसिप हमेशा से ही बनती रहती है। यहां तक कि ये भी कहा गया है कि रेखा जी अपने माथे पर सिंदूर बिग बी के ही नाम का लगाती है, जो रेखा जी ने कल भी किया था। Well, अब सच क्या है कहना मुश्किल है, मगर करिश्मा और करीना की ऑर्गेनाइज की हुई इस बर्थडे पार्टी में यूं तो काफी गेस्ट दिखे और हाइलाइटेड रहे रणबीर कपूर, बबीता, ऋषि, नीतू कपूर, जितेंद्र, राकेश रोशन की साथ में एंट्री, सैफ अली खान, मलाइका, अमृता अरोरा, प्रेम चोपड़ा और सलीम खान जैसे स्टार्स। मगर इस पार्टी की लाइमलाइट रहे अमिताभ बच्चन और रेखा। इन दोनों का साथ में किसी एक वेन्यू पर आना हमेशा बड़ी न्यूज ही माना गया है, चाहे पार्टी किसी की भी हो। आपको दिखाते हैं इस सेलिब्रेशन की कुछ पिक्स जो करिश्मा ने अपने सोशल हैंडल पर की शेयर। श्रद्धा सिंह, जूम, मुंबई। एक मशहूर शैम्पू ब्रांड के लिए आलिया ने कर दिया है प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस। क्या इस ब्रांड एंडोर्समेंट को पाकर आलिया ने प्रूव कर दिया है कि बॉलीवुड में अब वो है नंबर वन स्टार बनने की दावेदार। आलिया ने कर दिया है प्रियंका को रिप्लेस। इंटरनेशनल स्टार बन चुकी प्रियंका की एक शैम्पू ब्रांड आलिया ने कर ली है अपने नाम। Well, sources के अकॉर्डिंग एक शैम्पू ब्रांड की एड जिसमें पहले प्रियंका चोपड़ा नजर आती थी, अब उसका फेस आलिया बन गई है, उससे आलिया ने साइन कर लिया है। लेकिन आखिर क्या वजह है जो प्रियंका को यंग आलिया से कर दिया गया रिप्लेस? हॉलीवुड में एक मकाम हासिल कर चुकी प्रियंका से क्यों छीना गया उनका ये ब्रांड? अपेरेंटली मेकर्स को अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए यंग और पॉपुलर फेस चाहिए था, और आलिया यूथ के बीच में कितनी पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं। आलिया अपनी बैक टू बैक हिट फिल्म्स के कारण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आलिया यंग है, रिफ्रेशिंग है, क्यूट है, जिनसे यूथ काफी कनेक्ट करता है, और शायद आलिया की यही क्वालिटी प्रियंका जैसी स्टार पर भारी पड़ गई। यही नहीं, प्रियंका के हाथ से ये ब्रांड जाने का दूसरा रीजन प्राइस भी है। सोर्सेस से पता चला है कि आलिया भट्ट प्रियंका का शैम्पू ब्रांड उनसे काफी कम अमाउंट में करने के लिए तैयार हो गई हैं।
आलिया ने आलिया प्रियंका से इस ब्रांड के लिए बहुत कम प्राइस चार्ज कर रही हैं। ऐसे में मेकर्स को लगता है कि उनके ब्रांड के लिए आलिया भी एक्ट फेस होंगी और यही कारण है जो प्रियंका की शैम्पू एड में अब आलिया दिखेंगी, जिसकी शूटिंग के लिए वो सिंगापुर निकल गई हैं फॉर अ वीक। तो संदेश अगाथे, जूम मुंबई। दीपिका रिजेक्ट, प्रियंका रिजेक्ट, कंगना रिजेक्ट। वेल, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सात एक्ट्रेसेस को कर दिया गया है एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए रिजेक्ट। क्या है इन स्टार्स का कहना ऑन बीइंग रिफ्यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट? लेट्स टेक अ लुक। क्या एक साथ सात बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कर दिया गया रिजेक्ट फॉर माजिद माजिदीस फिल्म? लुक टेस्ट के बावजूद बॉलीवुड ए लिस्टर्स प्रियंका और दीपिका को नहीं मिला इस फिल्म में रोल। माजिद माजिदी का प्रोजेक्ट बियॉन्ड द क्लाउड हो गया है बियॉन्ड रीच फॉर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। दरअसल इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए जहां खबरें आ रही थी कि दीपिका को कर दिया था रिजेक्ट आफ्टर अ लुक टेस्ट, वहीं अब खबरें आ रही है दैट शी वॉज नॉट द ओनली वन। रिपोर्टेडली इस रोल के लिए बॉलीवुड की छह और एक्ट्रेसेस ने दिया ऑडिशन, बट नो वन बैग द रोल। यू हर्ड दैट राइट। दीपिका के अलावा प्रियंका, आलिया, कंगना जैसे ए लिस्टर्स ने भी दिया लुक टेस्ट। एंड अपकमिंग स्टार्स जैकलिन और श्रद्धा ने भी दिया ऑडिशन, बट सबको कर दिया गया रिजेक्ट। लगता है हमारे बी टाउन की स्टार्स नहीं है अकस्टम टू रिजेक्शन। एक्ट्रेसेस ने इस रिजेक्शन की न्यूज को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने किया है इस रोल को डिक्लाइन। वेल, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को बॉलीवुड एक्ट्रेसेस करे डिक्लाइन, इट्स अ बिट टू मच टू टेक, इजंट इट? इनके क्लेम्स में कितनी सच्चाई है, यू बी द जज। हाउएवर, रिनाउंड डायरेक्टर माजिद माजिदी ने क्लेरिफाई किया कि उन्हें खोज है एक फ्रेश फेस की। क्या ईरानियन डायरेक्टर सिर्फ पोलाइट हो रहे हैं अबाउट दीज मास रिजेक्शंस? फॉर ज्योति सिंह, जूम मुंबई। क्या कहा वरुण ने जिसकी वजह से रो पड़ी आलिया? फाइंड आउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सेट्स पे वरुण ने किया आलिया को खूब टीज, पर वरुण की मस्ती पड़ गई उन पे भारी जब आलिया कुडंट टेक इट एनीमोर। ऐसा क्या कहा वरुण ने सिड को लेकर जिसकी वजह से आलिया कंप्लीटली ब्रोक डाउन? वरुण ने आलिया को किसका नाम लेकर किया टीज? किसके नाम पर टीज किए जाने पर आलिया को आ गया रोना? वेल, तो वो कोई और नहीं बल्कि आलिया के रूमर्ड लव सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, जिनके नाम से वरुण आलिया को टीज किया करते थे। सोर्सेस के अकॉर्डिंग, आलिया जब वरुण के साथ फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग कर रही थी, उस वक्त वरुण आलिया को उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिड के नाम से खूब परेशान किया करते थे। सोर्सेस का कहना है कि वरुण ने शूटिंग के दौरान एक बार आलिया को सिद्धार्थ से एक कॉर्नर में बात करते देखा और फिर क्या था, मिल गया मौका वरुण को आलिया को मॉक करने का। वरुण पहले तो आलिया को लेकर खूब टीज किया करते थे, लेकिन फिर सेट के कुछ मेंबर्स के सामने भी वरुण ने आलिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आलिया वरुण से अपसेट हो गई। जाहिर सी बात है, अगर वरुण बार बार आलिया को उनके रूमर बॉयफ्रेंड का नाम लेकर टीज करेंगे तो आलिया को गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन वरुण को जब लगा कि आलिया बार बार सिड का नाम लेने की वजह से उनसे नाराज हो गए हैं, उन्होंने नाराज आलिया को काफी कन्विंस किया ताकि वो उनके साथ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं। वैसे वरुण आलिया के काफी अच्छे दोस्त हैं और सिड का नाम आने पर आलिया को टीज जरूर करते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। क्या जल्द ही करेंगी कंगना शादी? वेल, ये हम नहीं, खुद कंगना ने सजेस्ट किया एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान। कैसे उन्होंने ड्रॉप किया एक ह्यूज हिंट अबाउट अ मैरिज प्रोस्पेक्ट्स? लेट्स टेक अ लुक। कंगना ने अपनी शादी की न्यूज पर दिया इंटरेस्टिंग रिएक्शन।
अपनी शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कंगना ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन ना कहकर उसे खत्म भी नहीं किया। लेकिन अचानक कंगना से उनकी शादी के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, आप सभी यही सोच रहे होंगे, है ना? वेल, तो सोर्सेस से पता चला है कि आजकल कंगना के पेरेंट्स उनकी शादी को लेकर थोड़ा वरीड हो गए हैं। वो चाहते हैं कि कंगना अब शादी कर ले, और यहीं से कंगना की शादी की न्यूज हर तरफ फैल गई। और यही रीजन है जो रिसेंटली कंगना से उनके मैरिज प्लान्स के बारे में पूछा जाने लगा, जिस पर कंगना ने काफी इंटरेस्टिंगली रिएक्ट भी किया। अपना स्टैंड क्लियरली रखने वाली कंगना ने बोला कि इस बारे में वो जरूर बात करेंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, अभी सही टाइम नहीं है। यानी लगता है कि कंगना को अब शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो कंगना हाँ या ना बोलकर इन रूमर्स को क्लियर कर सकती थी, मगर कंगना ने ऐसा किया है। कंगना ने तो स्माइल करते हुए अपने दिल की बात कह दी। फजोती सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। रिपोर्टेडली कटरीना आदित्य को रिसेंटली फिर से एक साथ किया गया स्पॉट। कटरीना को पिक करने आदित्य पहुंचे थे उनके घर, और फिर वहां से ये दोनों अच्छे दोस्त पहुंचे एक रेस्टोरेंट टू हैव डिनर, और फिर आदित्य के घर पर इन्हें देखा गया। कहा जा रहा है आदित्य और कटरीना ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कोई भी उन्हें देख न ले। सोर्सेज की माने तो फोटोग्राफर से बचने के लिए आदित्य रॉय कपूर तो काफी देर तक एक जगह पर छिपे रहे। वेल, अगर दोस्ती ही है तो इतना क्या छिपाना, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। शाहिद कपूर और कंगना रनौत के बीच प्रॉब्लम्स अब इतनी बढ़ गई हैं कि कैमरास के सामने भी ये अपना डिस्कम्फर्ट छिपा नहीं पाते हैं, और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ सबके सामने। दरअसल मुंबई के एक स्टूडियो में फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे कंगना और शाहिद को साथ में कुछ कैंसर अफेक्टेड बच्चों से मिलना था और कैंसर अवेयरनेस के लिए साइन करते हुए पोज करना था, मगर शाहिद ने कंगना के साथ क्लिक करवाने से साफ इनकार कर दिया। और पहले अकेले कंगना ने आकर बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर कंगना के जाने के बाद शाहिद अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकले और फिर उन्होंने बच्चों से की मुलाकात। रणधीर कपूर ने ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट किया अपना 70th बर्थडे। कपूर क्लैन के इस जॉयस ओकेजन पर दिखे ऋषि कपूर, नीतू कपूर, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, जितेंद्र और राकेश रोशन, मलाइका अरोरा, अमृता अरोरा, अमीशा पटेल, संजय कपूर विद वाइफ, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, प्रेम चोपड़ा, सलीम खान और इनके अलावा भी कई फ्रेंड्स और बी टाउन के स्टार्स। मगर दो सिलेब्स पर जमी थी सबकी नजर, और वो थे अमिताभ बच्चन और रेखा। रेयरली ही किसी इवेंट पर साथ दिखने वाले अमिताभ बच्चन और रेखा ने साथ में सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड और को स्टार रह चुके रणधीर कपूर का बर्थडे। माजिद माजिदी का प्रोजेक्ट बियॉन्ड द क्लाउड हो गया है बियॉन्ड रीच फॉर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। दरअसल इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए जहां खबरें आ रही हैं कि दीपिका को कर दिया गया रिजेक्ट आफ्टर अ लुक टेस्ट, वहीं अब खबरें आ रही हैं दैट शी वाज नॉट द ओनली वन। रिपोर्टेडली इस रोल के लिए बॉलीवुड की 6 और एक्ट्रेसेस ने दिया ऑडिशन, बट नो वन बैक द रोल। यू हर्ड दैट राइट, दीपिका के अलावा प्रियंका, आलिया, कंगना जैसे ए लिस्टर्स ने भी दिया लुक टेस्ट। एंड अपकमिंग स्टार्स जैकलिन और श्रद्धा ने भी दिया ऑडिशन, बट सबको कर दिया गया रिजेक्ट। सोर्सेस से पता चला है कि आजकल कंगना के पेरेंट्स उनकी शादी को लेकर थोड़ा वरिड हो गए हैं। वो चाहते हैं कि कंगना अब शादी कर ले, और यहीं से कंगना की शादी की न्यूज हर तरफ फैल गई। और यही रीजन है जो रिसेंटली कंगना से उनके मैरिज प्लान्स के बारे में पूछा जाने लगा है, जिस पर कंगना ने काफी इंटरेस्टिंगली रिएक्ट भी किया। अपना स्टैंड क्लियरली रखने वाली कंगना ने बोला कि इस बारे में वो जरूर बात करेंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, अभी सही टाइम नहीं है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कब और कहां एक्सेप्ट की अपनी रिलेशनशिप की सच्चाई? क्या वरुण की फैमिली कर रही है नताशा के साथ उनकी शादी की तैयारियां? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड ज्यूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग जूम, टर्न ऑन।